फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। देश में एक कहावत काफी मशहूर है कि गरजने वाले बादल कभी बरसा नहीं करते, एक और कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ये सारे मुहावरे खुद को सुपीरियर समझने वाले पाकिस्तान के लिए काफी सटीक साबित होते नजर आते हैं। ये कहना जरा भी गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान अपनी हार को हमेशा अपने बयानों से ढकता आया है। भारत के मिशन चंद्रयान 2 के असफल रहने पर पाकिस्तान के मंत्री लगातार बयानबाजी की हद पार कर रहे हैं। इस बार पाकिस्तान के विज्ञान और तकनीकी मंत्री फवाद चौधरी ने भारतीय अंतरिक्ष मिशन पर निशाना साधते हुए भारत को नीचा दिखाने की नाकाम कोशिश की। उन्होंने कहा कि मिशन चंद्रयान 2 पर भारत बहुत सी लापरवाहियों से प्रयोग कर रहा है, जिसका भुगतान सभी को भुगतना पड़ेगा। इसरो वैज्ञानिकों की आंखों में आए आंसुओं का मजाक बनाते हुए चौधरी ने भारत पर यह आरोप लगाया कि भारत के ऐसे प्रयोगों के कारण अंतरिक्ष में संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इतना ही नहीं बल्कि एक अरब चैनल को दिए गए इंटरव्यू में पाक के विज्ञान मंत्री ने भारत के खिलाफ जमकर अपनी भड़ास निकाली और चंद्रयान मिशन को राजनीतिक दिखावा भी करार दिया। इमरान खान के मंत्री ने भारत के अंतरिक्ष मिशन पर राजनीति हावी होने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मुख्य बात ये है, भारत का अंतरिक्ष मिशन राजनीतिक प्रचार का हथियार बन गया है। चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर स्पेस मिशन का प्रयोग अपने स्वार्थ के लिए करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, भारतीय नेतृत्व अपने ही देश के लोगों के साथ तबाही के खेल में जुटा है। हमारा अंतरिक्ष और गैलेक्सी बहुत नाजुक है, उन्हें ये समझना चाहिए। अब किसको क्या समझना चाहिए, शायद ये पाकिस्तान को बताना जरूरी हो गया है। जहां तक राजनीतिक व्यवस्था की बात है तो पाकिस्तान की मीडिया और राजनीतिक व्यवस्था की हालत दोनों ही काफी बुरे हैं। आज भारत को नया पाठ पढ़ाने वाला पाकिस्तान खुद किस स्थिति से जूझ रहा है, ये वो बेहतर जानता होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट बाइट टीवी।